अरे कोई एग्जॉस्ट ऑन करो ना। मोनू, बोला था ना ओपन फोन बाहर रखते, पूरे घर में धुआं ही धुआं हो गया। मैडम ऐसे तो नाम का पहला अक्षर ही आता है मेहंदी में। भैया आर से तो किसी का भी नाम हो सकता है ना, पूरा नाम लिखो ना। क्या नाम है मिस्टर का? रुपेश, आर यू पी ई एस एच। मैडम जी बहुत बड़ा नाम है, और देखिए आपको तो हाथ भी कितना छोटा है, हम लिख देंगे मगर पूरा पैटर्न खराब हो जाएगा, देख लीजिए। आप वो पान हटाओ, पान हटाओ तो छोटा छोटा लिखो आ जाएगा। लिख देंगे मगर देख लीजिए, लिखेगा नहीं। ये सही से आग नहीं पकड़ पाएंगी, इन्हें धूप में डलवा दो, सूख जाएंगे। आपके यहाँ क्या कहते हैं पता नहीं, पर हमारे यहाँ तो सब्जियाँ कहते हैं। वो छोटे छोटे काले बीज होते हैं ना। कलौंजी? नहीं आंटी, कलौंजी तो ऑनियन सीड्स को कहते हैं, ये फलूदे में डलते हैं। अच्छा। 1 किलो का मुश्किल से 100 ग्राम निकलता है तेल, इसलिए महंगा है। असर करता है क्या? शादी के 2 महीने पहले से रोज 2 चम्मच, देखो कितना अच्छा शरीर बन गया। भैया जी, लग तो वैसी रही है। नहीं आंटी, पहले ढीले कपड़े पहनती थी ना तो पता नहीं चलता था, ऐसी थी बिल्कुल, और ऊपर से आंखों के नीचे काले काले कट्टे, लोगों को लगता था टीबी है, रिश्ते ही नहीं आते थे। अच्छा। मम्मी नैपकिन देना। लो बेटा। छाती भी भर जाती है। ला दे एक बोतल। एक बोतल तो नहीं मिलती, ऑर्डर दे के बनता है ना, ये तो मेरा पर्सनल है। तो मुझे तो हार्मोनल प्रॉब्लम है ना आंटी, आप किसी को बोलना मत। नहीं नहीं, उतरा तो एकदम फीका रंग, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज। ऐसी सब बातों पर मैं विश्वास नहीं करती दीदी, लेकिन लेकिन छोड़ो ना दीदी, ऐसे शुभ दिन पे ऐसी क्या बात करना, बोलो ना। कभी कभी इंट्यूशन होता है ना दीदी, ऐसा अंदर से बहुत घबराहट होने लगती है, लगता है जैसे कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है। 2 दिन से हाथ पांव एकदम ठंडे पड़े हुए थे, अब मेहंदी को रचने के लिए तो बॉडी हीट की जरूरत होती है ना दीदी। हर बात का एक लॉजिक होता है दीदी, तो लोग लॉजिक भूल जाते हैं तो बात विश्वास से अंधविश्वास में बदल जाती है। आप ये हर घंटे लगाते रहना और पानी में हाथ बिल्कुल मत डालना। आप भी लगवा लो ना दीदी। नहीं, मुझे नहीं फलती मेहंदी। हाय, पीला रंग कितना सुंदर दिखता है आप पे। एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, 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 एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक सोन जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, एक चांदी जो रुपयो अल्लाह रे अल्लाह, 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 अल्लाह रे अल्लाह। इसमें बर्फी कहाँ गई? वो ना गुलाबी बर्फियाँ थी ना।
देख वहाँ डब्बा रखा होगा उसमें गुलाबी रंग की बर्फी होंगी, इसमें रखी नहीं है। कौन सा वाला गुलाबी रंग का बर्फी है? अरे सामने रखा है बोंदू राम। कौन सा गुलाबी कहाँ से पकड़ के ले आए हैं इसको? आंटी समोसे तो एकदम ठंडे हो गए। अरे ठीक है, कहाँ ठंडे हैं, सही है, दो मिनट में गर्म हो जाएंगे। अरे ठीक है, बिल्कुल सही है। आंटी मैं कर देती हूँ ना, एकदम माइक्रोवेव में क्रिस्पी हो जाएंगे। कल्याणी वैसे इतनी देर हो रही है, ठीक है ठीक है। आंटी अच्छा थोड़ी लगता है गेस्ट के सामने ऐसे ठंडे समोसे सर्व करना। अच्छा कर फिर, लेकिन जल्दी करके लाना। हाँ मैं दो मिनट। हाँ जी दीदी। भाभी पानी खत्म हो गया, जरा जल्दी भिजवा। अच्छा अच्छा भिजवाती हूँ। पानी भी वहाँ नहीं है, पता नहीं एक जगह खड़ा रहता है, तेरे को समझ नहीं आती, पानी दे। आंटी शरबत, अंकल शरबत, है शरबत बेटा, शरबत आपको, शरबत आंटी शरबत। नहीं मुझे डायबिटीज है। शुगर फ्री वाला ले आओ। नहीं नहीं चाहिए आंटी, मैं दो मिनट में ले आऊंगी। अरे रहने दो, मैं अब भी गई और अब भी आई, रहने दो आंटी, दो मिनट। मेरी कहानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये हर जगह धमक पड़ती है। मेरे यहाँ पे वो मुस्लिम आंटी है ना बिल्डिंग में, कल उनके यहाँ फंक्शन था, वहाँ भी टपक पड़ी डांस करने। भाई अपना घर बार ना हो तो यही हाल होता है। मेरी सास ने एक बात बहुत सही कहती है, अपना घर दाता का घर। तो लगते हैं यार नहीं? सही टाइम पे हो गई हमारी शादी। ये तो अपन कहते हैं शरबत, अरे शर मुँह में घुस जाओ पूरा। नहीं सॉरी क्या होता है, वहाँ दुल्हन बैठी उनको शूट करो ना। बुरी नजर एक ऐसा मर्ज है जिसका कोई सिम्टम नहीं होता, वो कभी भी कहीं भी किसी को भी लग सकता है। अरे शिल्पा बड़ी खुश नजर आ रही हो, दिनकर का रिश्ता पक्का हुआ। अच्छा ये लड़की देखिए, अच्छी है। परिवार से भी मैं मिल चुकी हूँ, बहुत अच्छा परिवार है। अच्छा सुंदर है, बस बच्चे खुश हूँ। कल्याणी आजकल तो रिश्ते भी करवाती है। नहीं आंटी मैंने तो सिर्फ परिचय करवाया था, मैं इन सब मामलों में नहीं पड़ती। कल को कोई ऊंच नीच हुई तो बोलेंगे कल्याणी का खुद का घर नहीं बसा तो चली दूसरों का घर उजाड़ने। सही कह रही हो, अच्छा कर रही हो, आजकल भलाई का जमाना है कहाँ, काम से काम रखो। हाँ फिर ये जो अभी कल्याणी दीदी कर रहे हैं, दो मिनट नहीं लगाएंगे टाइम बनाने में। आप शरबत लेंगे? नहीं मैंने अभी भी चाय पी है, आप लोगे? थैंक यू। पर आप घबराइए नहीं, इसका उपाय है, इसका एकमात्र उपाय है फणीश्वर बाबा का नजर सुरक्षा चक्र। तो बॉडी हीट की वजह से होते, शादी के बाद ऑटोमेटिकली चले जाते, पर शादी हो तब ना। तो जो मैं कहूंगी वो करोगे? हाँ करूंगी। देखो रोज फॉलो करना पड़ेगा। रोज करूंगी। इतनी मिलनसार लड़की है, अब तक इसकी शादी क्यों नहीं हुई? अरे किसी शादीशुदा मर्द के चक्कर में पड़ी थी, वेट करते करते इसकी उम्र निकल गई। अरे नहीं कोई हार्मोनल प्रॉब्लम है ना, छाती पे बाल है उसके। अच्छा और दिखते तो नहीं? लेजर करवाती है हर महीना, आजकल होता है ना पूरी बॉडी पर। अच्छा तभी वो दिखती भी कुछ ऐसी ना, वो क्या कहते हैं टिम बॉय जैसी दिखती है। मम्मी टिम बॉय नहीं टॉम बॉय होता है। हाँ 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 वही, अरे वही जिसका नीचे का पार्ट थोड़ा अलग होता है, उसको ट्रांसजेंडर बोलते हैं। हाँ हाँ वही वही। बेचारी अकेले रहती है, घर वालों ने साथ छोड़ दिया उसका। बताओ औलाद तो औलाद होता है ना अपना, अकेले कमरा लेके रहती है छोटा सा। अरे पर माँ बाप भी कब तक पालेंगे, उनकी भी तो उम्र हो चुकी होगी ना, कितना करेंगे वो लोग। 38 की तो खुद ही होगी। अच्छा हाँ हाँ, इस एज में कोई मिलना भी तो मुश्किल है, तो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा भाई। पता नहीं बेचारी कैसे गुजारा करती होगी अकेले, अपनी अपनी किस्मत। भौतिक सुख ना भाभी,
सबके नसीब में नहीं होता, और आप होप मत गिव अप करो। अभी आपकी एज ही क्या है, दिन में दो बार रोज दूध में मिलाकर दे दो, टेस्टलेस है, कुछ पता भी नहीं चलेगा, पर असर एक हफ्ते में दिखाएगा। लेकिन ये दूध पीते कहाँ है? ओह, तभी ये हालत है। कोई नहीं, चाय तो पीते होंगे। चाय का तो बहुत शौकीन है। कितनी बार पीते हैं? दिन में दो तीन बार हो ही जाती है। बस तीनों बार दे दो आप, आयुर्वेदिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बात बता, अच्छी खासी तो दिखती है, तेरी शादी क्यों नहीं हुई? सब नसीब का खेल है भाभी, तभी तो मैं कहती हूँ आप बड़े लकी हो। या आई एम वेरी लकी। वेरी लकी। बादाम तेल, तिल का तेल, आंवला तेल, ब्रह्मी तेल, कुल मिला के 36 तेलों का मिश्रण है आंटी। जैसे कि जोड़ों का दर्द हो, पेट की तकलीफ, आंखों में प्रॉब्लम, सेक्स नहीं होता, चर्म रोग, यहाँ तक शक्तिवर्धक भी है ये तेल। दो चम्मच सुबह शाम रोज आंटी। मेरे घर में मेरी चाची, फूफा, नानी सब यूज करते हैं। आप भी ट्राई करिए एक तेल सर्वगुण संपन्न, और बिल्कुल किफायती। कितनी बार तेल बोलेगी? तेल 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 तेल, बोर कर दिया। पर दीदी, तेल बेचने के लिए तेल की खूबियां तो बतानी पड़ेगी। मान लो इस तेल में कोई खूबी नहीं है, अब पागल, तेल नहीं बेचना है, डर बेचना है। तेल तो अपने आप बिक जाएगा।